कर दिया। शर्मा जी देखिए ये खेत है, मैं हम इसमें पानी सर्च करेंगे। और ऊपर देखिए हाई वोल्टेज तार है जिसका कोई असर नहीं पड़ता इस लोकेटर पे। अब हम पानी सर्च करेंगे। कभी भी आप पानी सर्च करें तो सबसे पहले आप उत्तर दिशा में, पूर्व पश्चिम, उत्तर दिशा में मैं इस तरीके से खड़े होंगे मुंह करके। मैं उत्तर में खड़ा हूँ, मेरे सामने उत्तर दिशा है। लोकेटर चलाते वक्त उत्तर दिशा में लेके खड़ी हुई है, ये अपने आप स्कैन कर लेगा यहाँ भी पानी होगा। अब इसने हमें लोकेशन दे दी उधर की। अब हम पूरे खेत में पानी चेक करेंगे कहाँ पर। ये देखिए हमें लोकेशन मिल गई। जो भी नज़दीक में हमारे पानी होगा ना शर्मा जी, पहले उसको कैच करेगा ये। अब इसने हमें लोकेशन दे दी, हम इसको वापस नीचे कर लेंगे। हम 10-20 कदम चलेंगे फिर से उठाएंगे, फिर से लोकेशन ले लेंगे। हमें लोकेशन मिल गई इस साइड की, हम इसको फिर डाउन करेंगे, फिर से लोकेशन ले लेंगे। ठीक है, हम फिर डाउन करेंगे थोड़ा सा चलेंगे, इसको फिर से उठा लेंगे। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो ये अनबैलेंसिंग हो जाएगा, इसलिए डाउन करो थोड़ा सा आगे चलो और फिर पता कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमें लोकेशन लेंगे। अब हमें लोकेशन मिल चुकी है तो हम इसे ही चलते जाएंगे। ये देखिए हम आगे निकल गए जहाँ पे पानी लगना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे लगना चाहिए। ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पत्थर रख देते हैं। ठीक है, ये भी निशानी है, इसके पास में ये घास है बिल्कुल जस्ट में। अब हम देखेंगे कि इस एरिया में पानी कहाँ तक है चारों दिशाओं में। ये उत्तर, उधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब मैं इस दिशा से देखता हूँ कि पानी कहाँ तक है। हम चारों दिशाओं से इसमें ये देखेंगे कि पानी कहाँ तक है। इसमें यहाँ तक पानी, इस दिशा में यहाँ तक पानी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से कितनी दूर से पानी आ। जहां से पानी शुरू होगा ये मेरी तरफ घूम जाएगा एंटीनेक्स कर। ये देखिए यहाँ से पानी शुरू हो चुका है। अब ये एरिया देखिए कितने वो मिल रहा है कदमों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कदम दूर तक पानी है पूर्व दिशा में। ठीक, इसी तरीके से अब हम पश्चिम का देखेंगे। ठीक है कि कितनी दूर से पानी है। हम पश्चिम दिशा में आ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आ गए। अब देखते हैं हम कहाँ तक पानी शुरू। ये देखिए यहाँ से पानी शुरू हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उधर 9 था इधर 10 था, तो थोड़ा बोड़ा हो सकता है दाएं बाएं, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट हमारा ये। वो थोड़ा सा पत्थर भी है इसमें तो इसलिए पता नहीं चलता। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ से पानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया पानी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ नौ दस, वही 10 कदम इधर से आया है। अब इस दिशा से और देखते हैं कि कितनी दूर तक। यहां तक पानी है, ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया पानी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इधर से ज़्यादा कदम ज़्यादा पानी है इस साइड में। और हमारा सेंटर हम निकाल लेंगे ऐसे ही चारों दिशाओं से, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट ये था इसका। ये देखिए मैं जैसे ही यहाँ छोटा करूँगा तो इसमें सारे में राउंड लगाना शुरू कर देगा। अगर आपको देखना भी है तो देखिएगा कहाँ से राउंड शुरू कर देगा इधर। ये देखिए ये पानी का एरिया सारा, हम चलते जाएंगे कितना बड़ा एरिया पानी का है, बे इतिहा पानी जिसको बोलते हैं। और एग्जैक्ट पॉइंट पे आएंगे तो इसकी स्पीड 4 गुना बढ़ गई है वहां से। ये देखिए हम बिल्कुल मेन पॉइंट पे आएंगे तो स्पीड इसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, वहां से धीरे धीरे घूम रहा था और यहाँ स्लो। ये देखिए जहां तक पानी है ये घूमता रहेगा ऐसे। जहां पानी रुकेगा ये घूमना बंद कर देगा। ये देखिए यहाँ तक पानी था तो ये रुक गया यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम दूर भी जाएंगे तो भी ये पानी को यहीं कैच करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने चेक करना है।